हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकल तरीके से, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगा, और ये बुक कंप्लीट कराई जाएगी, कोई भी इसका क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 14। देखिए 14 चैप्टर तक हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे चुके हैं और आगे भी अपने नए चैप्टर लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक जबरदस्त टॉपिक है, तो इसके सॉल्यूशन भी हम आपको जबरदस्त और आसान कराएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि दो वर्षों में 5000 रुपये और 3 वर्षों में 5500 रुपये हो जाती है। तो इससे हमें मालूम हो रहा है कि एक साल में, देखिए 2 से 3 वर्ष, एक साल में कितना ब्याज लगा है, 5000 से 5500 रुपये, यानी कि 5000 रुपये पर 500 रुपये ब्याज बढ़ गया है। सीधा सीधा मालूम हो चुका है हमें यहाँ की एंट्री से। तो हम लिखेंगे 5000 रुपये, ये 500 रुपये के लिए मूलधन का कार्य करते हैं, ये 5000 रुपये, ये 500 रुपये के लिए मूलधन का कार्य करते हैं, और ब्याज मूलधन के अकॉर्डिंग ही ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ से हमें ब्याज की दर मालूम हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5 और 5 दाई 50। हम कह सकते हैं कि 1/10 जो होता है वह होता है 1/10 बराबर होगा 10% के। तो इसका मतलब हमें मालूम हो गया है कि ब्याज की दर परसेंट आ गई 10। तो ब्याज की दर 10% आ गई। तो ऑप्शन में चेक करें, 10 10 10 तीन ऑप्शन में नहीं है, चौथे ऑप्शन में हो, इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये 10% ब्याज दर। अब हमसे मूलधन भी पूछा है कि वह मूलधन राशि ज्ञात करें। ब्याज दर तो हमने बताई, अब हमसे पूछा है ब्याज दर, ये ब्याज दर है, वह मूलधन राशि भी ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा वैसे तो मालूम हो गया, बस इसका फॉर्मेट ऐसे बनाना, मिस धन बराबर मिस धन, मैंने कहा था इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, और ये जो बटे में आया हुआ है ये भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का ही पॉइंट है ये, क्योंकि बराबर की वैल्यू बटे में रखकर इसको काटा जाए तो भी इक्वल टू इक्वल ही कॉन्सेप्ट है। तो हर एक एक क्वेश्चन आपको इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से हल होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए 5000 से 5500, तो इसका मतलब ये जो है 2 वर्ष में 5000 रुपये की राशि हो गई, इसका मतलब ये मिस धन हो गया। तो मिस धन बराबर मिस धन हो जाएगा इधर, बस ये परसेंट में करना है। तो कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, उस 100% में अगर 2 साल का ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह मिस धन बन जाता है। 1 साल का ब्याज हो गया हमारा 10% वार्षिक ब्याज दर, तो सीआई के अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज दर बनेगी हमारी, मैंने कॉन्सेप्ट में लिखवाया है, 10% की दर से 2 साल की 21% होती है। अब 21% 100% मूलधन में जोड़ेंगे तो मिस धन बन जाएगा 121%। अब 121% से इसको हल करेंगे तो हमारा मूलधन राशि ये आ जाएगी। तो सीधा सीधा आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो यही आपके लिए बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड है। अब देखिए नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 60। राजीव एक कंपनी में 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से 3000 रुपये निवेश करता है, उसे 1320 रुपये का ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज दर बताएं। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही जबरदस्त, यदि मूलधन और मिस धन आ जाए, जब मूलधन और मिस धन आ जाए तो समय, अगर इनके बीच का समय 2 वर्ष है, अगर समय इन दोनों के बीच का 2 वर्ष है, तो यहाँ पर आने वाली संख्या वर्ग वाली संख्या बनेगी। आप ध्यान रखना कौन सी संख्या बनेगी, वर्ग वाली, ये। और दूसरा कॉन्सेप्ट यही है, अगर मूलधन और मिस धन वाली संख्या आ जाए तो इनके बीच का जो समय है, अगर 3 वर्ष आ रहा है यहाँ, तो ये हमेशा घन वाली संख्या बनेगी, घन। ये पॉइंट आपको याद रखना, सेकंडों में आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हो। अगर समय 2 वर्ष है और जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए, तो
तो यहाँ पर आने वाली संख्या वर्ग वाली होगी, हमेशा याद रखो, और यहाँ पर आने वाली संख्या घन वाली होगी अगर समय 3 वर्ष हो। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने करते हैं। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है, पढ़िए। राजीव एक कंपनी में 2 साल, देखिए समय 2 वर्ष आ गया जो कि मैंने बताया, चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन राशि ये आ गई हमारी 3,000 रुपये की मूलधन राशि निवेश किया जाता है जो उसे 1,320 रुपये का ब्याज देता है। अगर हम मिश्रधन में ब्याज, मूलधन में ब्याज भी जोड़ दे तो मिश्रधन हो जाता है, क्योंकि मिश्रधन बताया था मैंने, मिश्रधन कहलाता है मूलधन जमा ब्याज। तो मूलधन हमारा है 3,000, 3,000 में 1,320 का ब्याज जोड़ेंगे तो यह मिश्रधन यानी कि अमाउंट राशि बन जाती है 4,320 रुपया। ये अब देखिए ये वाला हमारा कंसेप्ट तैयार हो गया कि दिए गए क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन आ जाए और समय 2 वर्ष हो तो यहाँ वर्ग वाली संख्या होगी। तो चेक करिए 0 से 0 काटेंगे, अब 3 से मैंने इसको काटा 100 बार तो बन गई वर्ग वाली संख्या। इधर 3 से काटेंगे, 3 * 3 = 1 हो गए 13, 3 * 4 = 12, 3 * 4 = 12। देखिए दोनों वर्ग वाली संख्या बन गई। अब ये 100 किसका वर्ग है आप जानते हो, 10 का, और ये 144 12 का वर्ग है आप जानते हो, 10 पर 2 का ब्याज है तो 2 × 5 = 10, 1/5 होता है ये 20%, 1/5 होता है 20%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही आसान और सरल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर पूछा है 1,000 रुपये 2 वर्ष में, देखिए समय 2 वर्ष आ गया, ये हो गया हमारा मिश्रधन 1,060 रुपये 90 पैसे हो जाता है, तो वह ब्याज दर बताए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन राशि 1,000 रुपये गिवन है, उसके बाद अमाउंट राशि भी गिवन है 1,060 रुपये 90 पैसे। ये अब देखिए इनके बीच का समय भी गिवन है 2 वर्ष, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि समय 2 वर्ष आ जाए और मूलधन मिश्रधन आ जाए तो यहाँ आने वाली संख्या हमेशा वर्ग वाली होगी। अब देखिए यहाँ से 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे तो बटे में इधर ले आइए, चाहे इधर 2 जीरो आ जाती है इस दशमलव, 2 अंक हटाने के बाद इधर 2 जीरो आ जाती है। अब मैंने क्या किया, 1 0 से 1 0 काटा, ये हमारा वर्ग वाली संख्या हो गई क्योंकि समय 2 वर्ष है तो वर्ग वाली। किसका वर्ग है, ये 100 का वर्ग है 2 बार, तो ये है 100 का वर्ग, और ये हमारा हो गया 103 का वर्ग। आप देख लीजिए ये वर्ग वाली संख्या है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं या डायरेक्ट। तो हमें मालूम हो गया ये जो घात होती है यह समय को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इनसे हमें मालूम हो गया कि समय 2 वर्ष होगा। लेकिन यह 100 किसका वर्ग है, 10 का, यह 10 का है और यह 100 का वर्ग है, ये 100 का, ये 10,000 100 का वर्ग है, ये हो गया आपका 10,609, 103 का वर्ग है। अब देखिए 100 के अकॉर्डिंग 103 30% का ब्याज बनेगा, तो ब्याज दर जो होगी आपकी वो 3% वार्षिक ब्याज दर है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 3% ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए क्वेश्चन नंबर 62, सारनाथ ने कुछ धन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित किया और निवेशित धन 2 वर्षों में इतने रुपए और 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है, 8% का मान ज्ञात करें। देखिए 2 वर्ष से कोई धनराशि कितने दी है, 65,000 और इतने से है इतनी हो जाती है 80,52,55, क्लियर। लेकिन ये 2 से 5 वर्ष यानी 3 वर्ष के दौरान होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जब समय 3 वर्ष आ गया तो यह घन वाली संख्या होगी, कौन सी, घन वाली, तो 5 से हम इसको काटेंगे दोनों संख्याओं को, 5 से काटा 12 बार, 5 * 5, क्लियर, 3 0, ये 5 * 5 16 बार, 5 * 5 5 × 5 = 25, 5 * 5 खत्म। अब इसको काटते हैं 121 से, ये हमारा 1,000 बार कटेगा, ये 1,331 बार कटेगा।
अब ये देखिए 10 का घन होता है ये, और ये 11 का घन, तो 10 पर 1 का ब्याज, तो ब्याज दर आ गई 10%, क्योंकि 1/10 होता है 10%, ये आ गई हमारी ब्याज दर 10%। फिनिश। देखिए आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 63। ब्याज वार्षिक रूप से 2 वर्ष में 9500 रुपये की राशि इतने रुपए हो जाती है। देखिए मूलधन राशि दी गई है 9500 रुपये की राशि 2 वर्ष में, अमाउंट में इस धन बन गई 11495। उसी अवधि से उसी राशि पर 2 गुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ से हम ब्याज दर ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने 5 से इसको डिवाइड किया, 5 से 1912 कटा, और 5 से मैंने इसको काटा, 5 दुनी 10, 5 दुनी 10, 4 5 9 45, 4 5 9 45, 19 से काटेंगे 100 बार, 19 ही कम 19, 3 19 दुनी 38, 19 ही कम 19, ये हो गया 10 का और ये हो गया 11 का, 10 और 11 का वर्ग, 10 पर 1 का ब्याज, 10 पर 1 का ब्याज हो गया 10% ब्याज दर। देखिए 1/10 होता है 10% ब्याज दर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10% ब्याज दर। अब देखिए यहाँ से हमने ब्याज दर निकाली, अब हम आगे बढ़ेंगे। उसी अवधि में उसी राशि पर, वह राशि है हमारी 9500 रुपये, दुगनी ब्याज दर पर, दुगनी होगी 20%, साधारण ब्याज बताना। तो देखिए ये है हमारा 9500 रुपये मूलधन राशि, इस पर दुगनी ब्याज दर, 10 का दुगना 20%, 10 का दुगना 20% ब्याज। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो लगाई, 2 5 10, और समय भी देखेंगे समय कितना है उसी अवधि के लिए, समय 2 वर्ष रहेगा, चलिए बाद में कर लेंगे। 2 0 0 2 5 10 2 9 18 19, और 2 साल तक दिया है समय, 2 साल दोगुना कर देंगे, 19 दुनी 3800, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। 16 87 5 रुपये की धनराशि, ये मूलधन है 16 87 5, 8% की दर से 2 वर्ष में, समय 2 वर्ष दिया है तो वर्ग वाली संख्या हो जाएगी 19683 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर बतानी है, 3 से कटिंग करेंगे या 9 से कटिंग कर लीजिए, 9 से देख लेंगे, 9 ही कम 9, 7 बचे हो गए 78, 9 8 72, 6 67, 9 7 63, 9 5 45, 9 2 18, 1 9 ही कम 9 7 हो गया 78, 9 8 72, 6 9 7 63, क्लियर। अब देखिए इसको और कटिंग करते हैं, 3 6 18, 3 2 6 3 5 15, 3 7 21, 3 2 6 3 9 27, ये 625 25 का होता है और 729 27 का होता है, ये 25 का वर्ग और ये 27 का वर्ग, तो 25 पर 2 का ब्याज, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 चौका 100, 4 दुनी 8, 8% ब्याज दर होगी, चेक करिए 8% ब्याज दर होगी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि जब कोई मिश्रधन और मूलधन आ जाए, यानी कि मूलधन से मिश्रधन बनता है, और समय अगर 2 वर्ष है तो वर्ग वाली संख्या होगी, समय 3 वर्ष है तो घन वाली, या वर्ग है तो समय 2 वर्ष और घन वाली संख्या है तो समय 3 वर्ष होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके सामने क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखिए मूलधन राशि दी है हमारी 8000, जबकि ये हमें मालूम है 20 का घन होता है, घन वाली संख्या है ये, और मिस धन राशि हमारी 15% की दर से हो जाती है 12167, ये तो हमें मालूम है 20 का घन है, और ये है हमारा 23 का घन,
ये, तो इसका मतलब जब घन वाली संख्या है तो समय कितना होगा? 3 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लीजिए आगे पहले क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 30% की दर से इतने रुपए की राशि दी जाती है, कितने वर्षों बाद वह इतने रुपए की राशि हो जाती है? देखिए मूलधन राशि आ गई 20,500 और ये आ गई हमारी अमाउंट राशि 34,645। क्लियर? अब देखिए इसको हम कटिंग करते हैं, 5 चौक 20, 5 एकम 5 ये काटा और ये हो गया हमारा 5 6 30, 5 9 45, 5 10, 5 9 45। 41 से 100 बार काटा, 41 से ये 169 बार काटा। क्लियर? अब हमें मालूम हो गया कि ये वर्ग वाली संख्या है तो समय कितना होगा? 2 वर्ष। समय हमारा 2 वर्ष होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, समय 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आता है 67। देखिए एक राशि 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 7800 रुपये। देखिए 3 वर्ष में जो मिश्रधन है वो 7800 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में जो मिश्रधन राशि है 11,23,2। अब देखिए इस धन के लिए ये मूलधन का काम करेगा। समय कितना है? 3 से 5 होने में समय 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष है तो ये वर्ग वाली संख्या होगी क्योंकि इस राशि के लिए ये मूलधन का काम करेगा। क्लियर है? आप देखिए आप इसको कटिंग करते हैं हम, ये 7800, 13 से देख लेते हैं यहाँ, 13 6 78, 600 बार घटा, 13 8 104, 8 हासिल 8 मतलब 8 हो गए 83, 13 6 78, 13 में से 8 गए 5, 13 चौका 52, कटिंग हो गई है। अब देखो 6 से फिर काटेंगे, 6 से 100 बार काटा मैंने, 6 कम 6, 2 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये आ गया वर्ग वाली संख्या हो गई। ये 100 अपने आप में 10 का वर्ग है और ये 12 का वर्ग है। तो जब ये वर्ग वाली संख्या आ गई इसका मतलब समय 2 वर्ष हो गए। लेकिन हमें ब्याज दर पूछा है हमसे, तो देखिए 10 12 आपको पता है, 10 से 12 2 का ब्याज, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से 0 काटा 20% ब्याज दर होगी, तो ब्याज दर परसेंट आ गई 20। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 20% ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने दिए गए क्वेश्चन में ये बताया है कि 3,90,625 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से 4,56,976 रुपये हो जाती है, ये मूलधन राशि और ये मिश्रधन राशि हो जाती है 8% वार्षिक दर से, और ये कितने समय में होती है? और यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक लगता हो तो अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि यह कितने समय में होती है। तो सबसे पहले हम अर्धवार्षिक निकालेंगे, उसके बाद हम वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, ये हमारा ब्याज दर कितना है? 8% वार्षिक, तो इसको 2 से भाग करेंगे, अर्धवार्षिक हो जाएगा 2 चौक 8, 4% अर्धवार्षिक। ध्यान दीजिए बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो 4% अर्धवार्षिक को कैसे रेशो मेथड में लिख सकते हैं? 4/100, परसेंट का 100, 4 एकम 4, 4 से इसे काटा 25 बार। तो मूलधन रिप्रेजेंट करता है नीचे वाली राशि को, ऐसे 25 में 1 जोड़ेंगे ये 26 हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। इस फॉर्मेट में हमें इस डिजिटों को, इन संख्याओं को लिखना है, 26/25। यह 4% अर्धवार्षिक की दर कहती है कि जो मूलधन है 25 के रेशो में
और मिश्रधन है 26 के रेशो में। अब हमारा यहाँ पर मूलधन राशि दिया है, मूलधन राशि दिया है 3,90,625 और मिश्रधन राशि अमाउंट जिसे बोलते हैं ये दिया है 4,56,976। अब देखिए ये वाली और ये वाली संख्या ये मूलधन है, मूलधन को रिप्रेजेंट कर रही है 25 और मिश्रधन को रिप्रेजेंट कर रही है 26। तो हमें ये मालूम है कि ये वाली संख्या 25 और ये वाली संख्या 26 की घात 4 है। अगर इसको हल करें ये ही आएगा 3,90,625। 26 की घात 4 को हल करें यही आएगा। तो इसका मतलब हमें मालूम हो गया, और घात ही समय को रिप्रेजेंट करता है, जो ये घात है यही समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी बराबर हो जाएगा 4, अर्धवार्षिक। अब अर्धवार्षिक इसलिए कहा गया है क्योंकि क्वेश्चन अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग चल रहा है, ब्याज दर भी अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग लिया गया है। तो ये 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा, 4 अर्धवार्षिक। जब 4 अर्धवार्षिक है तो वर्षों में कितना है, एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है, तो 4 अर्धवार्षिक में 2 वर्ष, अर्थात अथवा आप कह सकते हो समय 2 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन और आसान तरीके से आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से करेंगे। एक निश्चित दर प्रतिवर्ष पर एक राशि 2 वर्ष में 6,050 रुपये से, देखिए 6,050 रुपये से 6,655 रुपये हो जाती है। तो एक साल का ब्याज बनता है, ये बन गया हमारा 605 रुपये, एक साल का ब्याज बन गया 605 रुपये। तो ब्याज दर निकालेंगे 6,050 रुपये पर 6,500 से गुणा परसेंट का चिन्ह, यहाँ से हमारी ब्याज दर आ जाएगी 0 से 0, 605 से 605 ब्याज दर आ गई 10%। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 6,000 रुपये की राशि पर समान दर से, इसी दर से 5 से 3/4 वर्षों का साधारण ब्याज बताना। तो हमें साधारण ब्याज बताना है 6,000 रुपये की धनराशि पर, ब्याज दर लगेगा 10%, समय होगा हमारा 4×20 और 3×23/4। देखो परसेंट से मैंने 2 0, एक ये और एक ये 2 0 काटा, 4 से मैंने काटा 150 बार, इसको 1 0 15 3 45, 4 15 2 30, 4 34, 3450 रुपया, 3450 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3450 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 70 देखेंगे और इसको भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। एक धनराशि 4 वर्ष बाद इतने रुपए तथा 6 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है, उस धनराशि का आधा भाग कितना। तो देखिए दो दो वर्षों के अंतर से धनराशि चल रही है, देखो 4 से 6 वर्ष, तो ये इसका मतलब दो दो वर्ष के अंतर से चल रही है, पहले 2 वर्षों में यहाँ से यहाँ पर, उसके बाद 2 वर्षों में यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 वर्षों में यहाँ से यहाँ तक, देखो 6 वर्ष हो गए ना शुरू से कोई धनराशि, और इसने वैल्यू दी गई है यहाँ से 4 वर्ष बाद इतनी राशि तथा 6 वर्ष बाद इतनी, तो यहाँ से यहाँ लो 2 2 और 2, 4 वर्ष हो गए, 4 वर्षों में राशि 11,880 और 6 वर्ष यहाँ तक हो जाते हैं, 6 वर्षों में राशि हो जाती है 17,820 ऐसे। तो चक्रवृद्धि ब्याज दर से समान अंतर में समान दर से समान गुणी राशि होती हुई चलती है, समान गुणी, समान वर्ष में समान गुणी राशि होती है। तो देखो यहाँ से इतने, इतनी से इतनी राशि 3/2 गुणी हो गई, तो यहाँ पर भी 3/2, यहाँ से 3/2 गुणी, और यहाँ से भी यह राशि 3/2 गुणी यहाँ से यहाँ आई, देखो यहाँ यहाँ से ये राशि 3/2 गुणी बढ़कर यहाँ आई,
फिर यहाँ से तीन बटा दो गुणी बढ़कर यहाँ आई, फिर यहाँ से तीन बटा दो गुणी बढ़कर यहाँ आई, ऐसे। तो इस प्रकार हमें वह राशि निकालनी, मूलधन राशि, और उस मूलधन राशि का आधा हिस्सा बताना, ये आधा भाग बताना है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, मूलधन पर कितनी गुणी हुई, दो वर्षों में तीन बटा दो, फिर तीन बटा दो से ये हो गई हमारी राशि 11880। क्लियर। अब इसको हल करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी, देखो तीन तीय नौ एकम नौ, दो नौ तीय सत्ताईस, नौ दुनी अठारह, जीरो। चार की गुणा करेंगे, मूलधन राशि दो दुनी चार, चार जीरो जीरो, चार दुनी आठ, चार तीय बारह, हासिल एक, चार एकम चार और एक पाँच। इसका आधा राशि करनी, आधा दो दुनी चार, दो छिक बारह, दो चौहठ जीरो, छब्बीस सौ चालीस। देखिए आधा राशि भी हो गई हमारी 2640। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही जबरदस्त बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए क्वेश्चन नंबर 71, दो वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन राशि क्रमशः 820 तथा 8820 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत बतानी। तो ये हमारा है CI, चक्रवृद्धि ब्याज, ये है हमारा अमाउंट मिश्रधन। यदि हम मिश्रधन में से चक्रवृद्धि ब्याज घटाए तो मूलधन राशि आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मूलधन राशि लिखेंगे, 8820 में से 820 घटाएंगे, 8000 रुपये की मूलधन राशि होगी, और ये अमाउंट मिश्रधन राशि होगी 8820। समय दिया है दो वर्ष, जब समय दो वर्ष है होता है तो मैंने बताया था कि ये मूलधन और मिश्रधन वाली संख्या वर्ग के रूप में होगी। तो यहाँ पर देख लेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, दो से काटा, दो चौका आठ, 420 का वर्ग होता है दो चौका आठ, दो चौका आठ, दो एकम दो, 441, 21 का, ये 20 का हो गया, ये 21 का हो गया, वर्ग लिख सकते हैं यहाँ पर, ये ना। तो 20 पर 21 यानी 20 पर 1 का ब्याज, 20 पर 1 का ब्याज, तो ब्याज दर परसेंट आ जाएगी 5, 1/20 होता है 5%, तो 5% वार्षिक ब्याज दर होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए क्वेश्चन नंबर 72, एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3960 और 4356 रुपये है। तो यहाँ से हमें ब्याज दर निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 3960 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज बनता है, इसमें से ये घटाएंगे, ये बनता है 396 रुपये, इसमें से ये घटाएंगे 396 रुपये। ब्याज दर निकालनी है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो 3960 से 3960 और ये जीरो पूरा 10 बार कटा, तो इसका मतलब ब्याज दर होगी वार्षिक 10% ब्याज दर। तो एक साल की ब्याज दर हो गई 10% वार्षिक। तो दूसरे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें दो वर्ष के ब्याज का अंतर देखना है। दो वर्ष का ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21% बनता है और पहले वर्ष का 10% होता है, तो हमारा यहाँ पर कितना ब्याज बनेगा, दोनों का अंतर लेंगे, 21 में से 10 घटाएंगे 11%, 11% के बराबर हमारा ये राशि होगी। देखिए दो वर्ष के अंतर का ये है, ये तीसरे वर्ष की राशि हो जाएगी, तो दो वर्ष के अंतर की राशि है, अमाउंट बराबर अमाउंट 3960। अब हम इसको हल करेंगे, परसेंट की दो जीरो लगाएंगे, 11 तीय 33 और 11 छिके 66, तीन जीरो, ये मूलधन का काम करेगी। यानी कि यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि मूलधन राशि हमारी 36,000 रुपये है। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ेंगे, उसी राशि पर यानी कि इसी राशि पर उसी ब्याज दर से, ब्याज दर 10% से है ना, हमें ढाई वर्ष में का मिश्रधन निकालना। तो हमें कितने वर्ष का मिश्रधन निकालना, ढाई वर्ष का,
अब ढाई वर्ष के लिए हमें क्वेश्चन बिल्कुल आसान करना है। चलिए देखिए, ढाई वर्ष के लिए उसी राशि पर उसी ब्याज दर पर ढाई वर्ष में मिश्रधन बताना है। तो मूलधन राशि होगी हमारी 36,000 पर ढाई वर्ष का। देखो, एक साल की ब्याज दर हो गई हमारी 10% और दो साल की हो गई 21%, जैसे कि आप जानते हैं 21%। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 121/100, ऐसे लिख सकते हैं। ये दो वर्ष का हो गया। अब हमें आधे वर्ष का और लिखना है, आधे वर्ष का। जैसे ब्याज दर हमारी 10% है तो इसको 1/10 लिखेंगे, 10% को, और इसका आधे वर्ष का बनाना है हमें 1 × 1/20। ये मूलधन का काम करेगी 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगी 21। क्लियर? इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा मिश्रधन राशि बन जाएगी। बस यही है इसमें मेहनत, और कुछ नहीं। 2 0 से 2 0, इस 1 0 से 1 0, 2 से काटा इसको 18 बार। क्लियर? 1 × 1/8, लास्ट डिजिट 8 होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट 8 होना चाहिए, 8 हमारा इस ऑप्शन में है। 45,738, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है तो समान राशि पर 4 वर्ष के अंत में मिश्रधन बताना। तो सबसे पहले हम ब्याज दर देखेंगे, 2 साल से 3 वर्ष में इतना कितना ब्याज बनता है इस राशि पर। 13,824 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज बनता है, 0.8, तो ये रहेगा। 8 में से 4 घटाएंगे 4, 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 15 लेंगे, 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ रहेंगे 5, 5 में से 3 घटाएंगे, तो ये बनता है हमारा 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। क्लियर? लगभग 0 से 1 दशमलव हटाएंगे ये, और इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बार पूरा पूरा 2 बार कटेगा, 10 × 2, 20% ब्याज दर आ जाएगी। तो ब्याज दर हो जाएगी हमारी 20%। अब देखिए, हमें बताना है समान राशि पर 4 वर्ष के अंत में मिश्रधन बताना। देखिए, 2 वर्षों का राशि यहाँ पर हमारी कितनी बनी है, 13,824, ये बनी है 2 वर्षों तक। हमें आगे के 2 वर्ष तक और निकालना है तो हमें मिश्रधन राशि ज्ञात हो जाएगी 4 वर्षों की। कैसे करेंगे देखिए, 20% इसको 120 लिखेंगे, 100 में जोड़कर लिखेंगे, 120/100, 20 × 120 = 100, ऐसे 2 बार और लिखेंगे क्योंकि 2 वर्षों तक तो यह है, 2 बार और लिखेंगे, 6/5 × 6/5। अब इसको हल करेंगे तो 19,907 हमारा आंसर बन जाएगा। इसको हल करेंगे तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।